हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो शनिवार को मैं डे 5 का वीडियो नहीं डाल पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। तो आज हम डालते हैं, सोमवार को शुरू करते हैं। कल मैंने बनाया था मैथ की स्ट्रेटजी पर वीडियो, तो आप उसे ज़रूर देखें, आपको ज़रूर उससे सहायता मिलेगी। तो हमने शुरू किया है RPF SI कॉन्स्टेबल 2024 की तैयारी के लिए 75 डे स्ट्रेटजी, जिसमें आज 5वां दिन है। 4 दिन की वीडियो मैंने पहले डाल दिए हुए हैं और आई होप आप देखेंगे तो आपको उससे बेनिफिट ज़रूर होगा। तो आज है 11 तारीख, तो आज है डे 5। तो डे 5 की क्या स्ट्रेटजी है हम लोग शेयर करते हैं आपके साथ। तो सबसे पहले है GK GS, जिसमें आज आपको क्या पढ़ना है। तो आज आपको स्टैटिक GK पढ़नी है। स्टैटिक GK में महत्वपूर्ण दिवस पढ़ने हैं कि 1 तारीख 1 जनवरी को क्या होता है, 2 जनवरी को क्या होता है, इस तरीके के दिवस। तो महत्वपूर्ण दिवस आप कंप्लीट करिए स्टैटिक GK में, जिसे आप परचम क्लासेस से कंप्लीट कर सकते हैं, RW से, या टारगेट विद अंकित से, ये सब YT चैनल हैं, इनसे आप कंप्लीट कर सकते हैं महत्वपूर्ण। सेकेंड नंबर पर है करेंट अफेयर। तो करेंट अफेयर में हम क्या करेंगे, 5 से 9 तारीख तक का PDF अगर आपको मिल जाए टेलीग्राम से तो वो देख लीजिए, या फिर वीडियो से देख लीजिए। इसके पश्चात हम 2-2 दिन के लिए करेंट अफेयर की क्लासेस लेंगे और 2-2 दिन में हम करेंट अफेयर तैयार करेंगे। तो करंट अफेयर आपको कहाँ से देखना है, ये देखना है आपको RWA के चैनल से, परचम क्लासेस से। परचम क्लासेस में अच्छी करंट अफेयर पढ़ाई जाती है, या फिर Under 247 के YT चैनल से, वहाँ डेली करंट अफेयर की वीडियो चलती हैं। और हिस्ट्री में हम आज कवर करेंगे महाजनपद। तो ये हम कवर करने वाले हैं RWA से, Study IQ से, या एग्ज़ामपुर से, या अगर आपकी इंग्लिश थोड़ा अच्छी हो तो आप परमार SSC से कर सकते हैं। तो हिस्ट्री में आप आज हम शुरू करेंगे महाजनपद की क्लास। तो ये आप 1 घंटा कवर कर सकते हैं किसी भी यूट्यूब के चैनल से। तो Study IQ से कवर करेंगे आप, तो यहाँ आपको डिटेल में मिल जाएंगे सब सारे तथ्य। तो GK GS का ख़त्म हुआ आज। रीजनिंग में हम आज क्या करेंगे, तो रीजनिंग में आज हम दिशा दूरी ही कंप्लीट करेंगे पूरी, और इसी से संबंधित प्रैक्टिस भी करेंगे। वो हम करेंगे वाईफाई स्टडी से, Under 247 से, RWA से, एग्ज़ामपुर से। इसे हम 1.5 घंटा देंगे, यानी हम जो बाकी कॉन्सेप्ट रह गए हैं उसे भी क्लियर करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आप रीजनिंग में 1.5 घंटा दीजिए और इन सोर्स से आप रीजनिंग कंप्लीट करिए। तो थर्ड पर है मैथ। तो मैथ पे हम आज से शुरू करेंगे प्रतिशत। तो प्रतिशत आप आदित्य रंजन सर से पढ़ सकते हैं, RWA से पढ़ सकते हैं, एग्ज़ामपुर से पढ़ सकते हैं, इनके YT चैनल से आप पढ़ सकते हैं प्रतिशत। इनके सबके सेपरेट वीडियो भी हैं और मैराथन भी है, तो आप उनसे पूरी कर सकते हैं। तो प्रतिशत आप देखिए और इससे संबंधित प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया हुआ है राकेश यादव और RS अग्रवाल की बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ये लोग खुद ही प्रैक्टिस करवाते हैं, या फिर आप प्रतिशत की प्रैक्टिस डाल देंगे तो YT पर तमाम टीचरों ने करवा रखी है, तो उससे आप करिए। तो एक जितना आपको टाइम इसमें दे सके, मेरे हिसाब से आप 2 से 2.5 घंटे मैथ के लिए दीजिए तो बेटर होगा। और नोट आज के लिए है, 10 से 11 तक आप क्यूब याद कीजिए, क्योंकि पहले आपने 1 से 10 तक क्यूब जो याद की थी उसे रिवाइज करिए और 10 से 11 तक क्यूब याद कीजिए। तो ये रही आज डे 5 की स्ट्रेटजी, 75 डे स्ट्रेटजी के अंतर्गत। तो आई होप आपको अच्छी लगी हो और आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने में सहायता दे। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने सुझाव व्यक्त करें, मुझे भी अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में डे 5 डे 6 में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।